नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पे। आइए हम लोग शुरू करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखिए, अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, 26 अक्टूबर 2018 को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ठीक है दोस्तों, आपको ऑप्शन है रानिल विक्रमे सिंधे, मैत्रीपाला सिरिसेना, महिंद्रा राजपक्ष या अर्जुन रणतुंगा। ठीक है, ये चार ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, तो आप इसके आंसर बताइए सही क्या होगा। दोस्तों आपने सोच लिया होगा इसके आंसर सही क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों महिंद्रा राज पक्ष। ठीक है ना, ये महिंद्रा राज पक्ष जो है अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कुंभ 2018 का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो आपको ऑप्शन वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज या नई दिल्ली। दोस्तों आपने सोच ही लिया होगा इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। डोर्नियर विमान द्वारा विकसित किया गया है, डोर्नियर विमान द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों भारत डायनामिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अक्टूबर 2018 में आयरलैंड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन दोस्तों ओलिवर गोल्ड स्मिथ, हैरी ब्रोगन, माइकल डेनियल हॉगिंस या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों माइकल डेनियल हैगिंस। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश ने हाल ही में 75 अरब डॉलर करेंसी स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, आपका ऑप्शन दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, नेक्स्ट आता है डीएसटी सीआईआई प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2018 निम्नलिखित देश के साथ साझेदारी में आयोजित किया गया था? आपका ऑप्शन है दोस्तों ए जापान, बी इटली, सी चीन या डी जर्मनी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इटली। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 25वें डीएसटी सीआईआई प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा देश साझेदार होगा? आपका ऑप्शन नीदरलैंड, जर्मनी, इटली या चीन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीदरलैंड। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? आपको ऑप्शन स्टेचू ऑफ यूनिटी भारत, स्प्रिंग टेंपल बौद्ध चीन, लेमिनी सेठ की बुद्धा वर्मा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अभी हाल ही में बना है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेचू ऑफ यूनिटी भारत। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नासा द्वारा 2009 में शुरू किया गया स्पेस टेलीस्कोप जल्द सेवानिवृत्त हो जाएगा, उसका नाम क्या है? ठीक है, आपको ऑप्शन केपलर या स्काईलैब, परियोजना बुध या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? केपलर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अक्टूबर 2018 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2018 भारत की रैंक क्या है? ठीक है, तो आइए देखते हैं, आपको ऑप्शन क्या है 100, 77 या 79 या 81। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 77, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2018 भारत और निम्नलिखित देशों में से किसके बीच आयोजित किया गया? तो आपको ऑप्शन फ्रांस, चीन,
जापान या ब्राजील। ठीक है दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करिएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।